नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कल रात केकेआर और सनराइजर हैदराबाद के बीच हुए मुकाबले में यूसुफ पठान ने छक्का मारकर केकेआर को हरा दिया और सनराइजर हैदराबाद को शानदार जीत दिला दी। इस जीत के बाद यूसुफ पठान ने केकेआर के मालिक शाहरुख खान पर जमकर हमला बोला। उनका कहना था कि उन्होंने और गंभीर ने मिलकर एक टीम बनाई थी, जिसके बाद केकेआर ने दो खिताब अपने नाम किए। अगर केकेआर के मालिक शाहरुख खान चाहते तो उसी टीम में से कुछ खिलाड़ियों को वापस रिटेन कर सकते थे, लेकिन इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद उन्होंने किसी को रिटेन नहीं किया और इस चीज़ का मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था और शायद वो छक्का मारकर मेरा गुस्सा कुछ हल्का हुआ। शाहरुख भाई अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने गंभीर को रिटेन क्यों नहीं किया। मेरी बात अलग है, लेकिन गंभीर ने उनकी कप्तानी रहते हुए उन्हें दो खिताब जिताए थे, लेकिन फिर भी गंभीर को रिटेन नहीं किया। और मैं भी अच्छा प्रदर्शन कर चुका हूं केकेआर के लिए, चाहे गेंदबाजी से हो चाहे बल्लेबाजी से, और ये मेरा प्रदर्शन शायद शाहरुख खान को दिखा नहीं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि केकेआर के लिए यूसुफ पठान और गौतम गंभीर ने शानदार प्रदर्शन किया था, इसके बावजूद भी शाहरुख खान की टीम ने उन्हें रिटेन नहीं किया, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दें। और हाँ, यूसुफ पठान के सिक्स के लिए एक लाइक तो बनता ही है।